करनी है घाट, हम जा रहे हैं वापस से गंगा स्नान करने। उसके लिए अलग से एक 5 मिनट का बोलने का सेशन रखेंगे कि मैंने क्या फील किया 3-4 मिनट में, क्योंकि उन्होंने मुझे रुकने ही नहीं दिया वहाँ पे। अकेले आएंगे कभी। तो अभी नहाना धोना हो गया है, अभी वापस से विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने पता नहीं क्या पहना है, पर ठीक है, सब कुछ ट्राई कर लेना चाहिए। तो हम आ पहुँचे थे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, और ये जो आप देख रहे हैं वो नया कॉरिडोर बनाया गया है लोगों की सुविधा के लिए, कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो तो लोगों को परेशानी ना हो। पानी की व्यवस्था भी थी यहाँ पर, और दर्शन करने के बाद बहुत भूख लग जाए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नया फूड कोर्ट भी बनाया गया है ताकि लोग यहाँ पर छोटा फोटा खा सकें और उनकी भूख मिटा सकें अगर ज़्यादा लंबी लाइन है तो। पर थोड़े से प्राइसेस मुझे हाई लगे, इसलिए हमने तो सिर्फ एक वड़ा पाव ही लिया था ताकि हम टेस्ट कर सकें कि यहाँ पर खाना कैसा है। इट वॉज़ वेरी गुड। कुत्ता लेके जाऊँगी मैं यहाँ से। चंदेरी खरीद रहे हैं। नहीं, इससे छोटा आता है मगर वो छोटा हो जाएगा, साइज यही लगेगा। हल्का फुल्का खाने के बाद हम फिर से एक और मंदिर आ गए थे, संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर पर। यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं था। तो दर्शन वर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके हम आ गए थे अपने रूम में, और हम जा रहे हैं साड़ी की फैक्ट्री, साड़ी शॉपिंग करने। थोड़ी सी लड़ाई हो गई है पापा से। यहाँ पर पीछे एक घाट है जहाँ से हमने कल बोटिंग शुरू की थी, तो अभी हमारी ट्रेन 6:30 बजे है, तो अभी हम कहीं घूम तो पा नहीं रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब तो मेरी इच्छा थी कि साड़ी की शॉपिंग वॉपिंग करके हम घाट पर बैठेंगे, पर ऑब्वियसली मना कर दिया कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो, दिमाग ख़राब हो रहा है। कभी मत जाओ परिवारों के साथ। इधर क्या देख रही है, इन्हें मैंने कर दिया मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब कहना तुम मुझसे। कंट्रोल कंट्रोल उदय, हमें ले जा रहे हैं अपने फैक्ट्री आउटलेट पे, जो हमारे होटल के मैनेजर नहीं, जो जिनका होटल है वो, उनका कोई फैक्ट्री आउटलेट भी है। तो दोनों बड़े बूढ़े लोग मान गए हैं जाने के लिए फाइनली, बहुत दिन देर तक आने के बाद। चलो अब मैं अपना झोला लेके जा, अभी आगे रखूंगी मैं अपना झोला लेके जा रही हूँ। आ गई, इन्हें याद ही नहीं रहा, इन्हें याद ही नहीं रहा मैं करके आती हूँ, आप उतरो। चप्पल पहनना कैसे भूल सकता है कोई यार, पागल हो क्या। मम्मी एकदम बढ़िया हो रहा है, और पहले हम जा रहे थे वो केवट घाट, कौन सी घाट थी पापा, वो नहीं पहले वाली केवट घाट, तो अब वहाँ नहीं जा रहे, अब हम 80 घाट जा रहे हैं। Thank you.
257 पे हम वहाँ से निकले थे, अभी कितने बजे हैं? 4:07, कह रहे हैं 1 घंटा हो गया। हाँ तो ये नहीं हुआ, कैसे हुआ? अरे 250 यहाँ 3 बजे में भी कमी, तो यहाँ तो लेट आए होंगे ना, क्या होने जाएंगे, 10-15 मिनट तो बारिश में चले गए। अच्छा, मतलब नहीं है। तो अब समय आ गया बनारस को बाय बाय कहने का। कैसा लग रहा है पापा? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, दुख नहीं हो रहा? दुख आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो बस अब अभी निकल रहे हैं, थोड़ी देर में सब रेडी है, सामान भी पैक हो गया है। हाँ, बनारस टू आगरा। पहले मैं ट्राउजर और वही पहन के जा रही थी, पर वो थोड़ा गीला हो गया था बरसात में, तो फिर मैंने चेंज कर लिया। पुरानी बेल्ट सामान सब बाहर निकाल लिया है, पापा वॉशरूम गए हैं, रूम भी चेक कर लिया है, सब ओके है। ओह, ये बैग रह गया था। बाय बाय रूम। हाँ, सब पहुँच गए। ठीक है भैया, दौरी काफी दिखेंगे तो उस पे आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। चलो चलो, थैंक यू। चलो, सब निकल गए और बनारस पीछे छूट जाएगा। फिलहाल ऑटो वाले भैया से कहा है कि पान की अच्छी दुकान, क्योंकि बनारस पान नहीं खाया हमने, मतलब हम बोल रहे खाएंगे खाएंगे, फिर वो रह गया, पर अब जाते जाते एक बार खा लेते हैं। तो ये है केशव जी की पान की दुकान, जो सबसे पुरानी और सबसे फेमस है यहाँ पे बनारस में। ये जो अंकल देख रहे हैं, इनका नाम केशव है और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। ये आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था जब मुझे पता चला। एंड द पान वाज वेरी गुड, 30 रुपये का मीठा पान था और मैंने तो वही खाया था, तो वो बहुत टेस्टी था। जस्ट रीच्ड होम एंड ट्रेन में मेरे आँख में कुछ तो हो रहा था, अब मुझे मतलब ऐसा सब बता रहे हैं मम्मी पापा कि कंजेक्टिव हो गया है। कंजेक्टिव वायरस क्या होता है? वो आई फ्लू, आँख आ जाती है वही, तो देखने की हालत में नहीं है मेरी आँख, इट्स लाइक दिस। एंड बहुत पेन हो गई है, पानी निकले जा रहा है। अब रात में ट्रेन में सोई, आँखें चिपक गई, सुबह पानी से हटाया। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ सोने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। बाय बाय।